दोस्तों नमस्कार, एसआर टेक लाइव यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आवेश के बारे में पढ़ा था, करंट्स के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे कुछ और डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। जितनी भी क्लासेज जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन क्लासेजों की जो PDF आप लोगों को जो अवेलेबल होगी वो आप लोगों को या तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं, या SRTC ऐप जो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है उसके अंदर स्टडी मेटेरियल का एक फोल्डर है, उस पर आप लोगों को ये प्रोवाइड हो जाएगी। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितना भी वीडियोज आप लोगों के पास पहुँचें या जो भी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएँ या PDF डाली जाए उसको साथ के साथ क्लियर करते चलो, ताकि आगे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आए। बाकी का आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। दोस्तों कल हम लोगों ने जैसा कि बात किया था करंट क्या होता है, लेकिन करंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 2-5 मिनट उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, EMF क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बेस है ये देखा जाए तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हो, कोई भी मेटल की अगर बात करें, हम चालक की बात करें, अर्धचालक की बात करें, या कुचालक की बात करें, किसी भी पद एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, टंगस्टन की बात करें, वो चालक है क्यों है, अर्धचालक क्यों है, कितनी उसके अंदर करंट फ्लो रही है, कितना रजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ उसका डिपेंड करता है एटोमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, परमाणु संरचना के ऊपर। क्या होता है परमाणु, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बात करेंगे हम लोग आगे। इसका अलग से परमाणु का एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें परमाणु के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। बाकी का अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए थोड़ा सा परमाणु के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले परमाणु के अंदर जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, मतलब नाभिक। न्यूक्लियस में अर्थात नाभिक के अंदर अगर देखा जाए तो दो कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक के चारों तरफ कुछ एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल कैसे, कुछ ऊर्जा के स्तर होते हैं जिन्हें आप लोग बोलते हैं कक्षाएं, जिन्हें आप बोलते हैं ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर, इस नाभिक के चारों तरफ जो ऑर्बिटें होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव और चार्ज रहेगा वो प्रोटॉन रहेगा, और न्यूट्रॉन रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, अर्थात उदासीन रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर नाभिक की, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और यह वहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है दोस्तों आपको पता है 1.602×10⁻¹⁹ कूलाम का चार्ज रहेगा। दूसरे अगर बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है दोस्तों वो रहता है 1.605×10⁻¹⁹ कूलाम रहता है। अगर न्यूट्रॉन्स पर चार्ज की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं रहता है। चार्ज क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था पहले से, चार्ज होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपसे और को ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज एक के प्रकार की देखा जाए तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत की मात्रा होती है जो किसके ऊपर उपस्थित रहती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर रहती है। प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज रहता है वो थोड़ा सा माइनरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में देखा जाए तो, बाकी का हम लोग यही कहते हैं कि इक्वली चार्ज रहता है। इनकी अगर मास की बात की जाए, मास किसे कहते हैं, मास की अगर बात की जाए
तो मास जो होगा, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान, मास द्रव्यमान जो होता है फिक्स रहता है, ध्यान रखना हर एक चीज का, वेट और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज है, मास एंड वेट दोनों अलग अलग चीज है। मास कभी भी किसी भी चीज का चेंज नहीं होता, अगर वेट की बात की जाए तो वेट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अलग अलग जगह पर ग्रेविटी का ग्रेविटी फोर्स अलग अलग होता है, ग्रेविटी एक्सीलेशन अलग अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है, इसलिए वेट अलग अलग हो सकता है किसी चीज़ का, लेकिन मास कभी भी किसी चीज़ का चेंज नहीं होता। अगर किसी भी चीज़ की बात की जाए, मास हमेशा फिक्स रहता है, द्रव्यमान ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मास को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना खर्च किया जा सकता है, बस वो एनर्जी का ही रूप रहता है। जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ही मास के रूप में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिंपली सी बात की जाए, ये मास है, इसका मास मान के चलो 0.5 kg या 1 kg है। अगर मैं बात करता हूँ इसको कन्वर्ट करने की, अगर मैं इसको जला देता हूँ, ये लकड़ी होने की वजह से जल जाता है, तो इसके अंदर से कुछ हीट एनर्जी निकलेगी और कुछ अलग अलग तरह की एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये मास। जब ये बनी थी लकड़ी तभी भी एनर्जी इसने ली थी, चाहे वो सनलाइट के रूप में ली हो, चाहे वो खनिज लवणों के रूप में ली हो, लेकिन एनर्जी ली थी, एनर्जी का ही एक रूप था ये। तो मास और एनर्जी एक दूसरे को में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तो आप जानते ही कि उसे ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना है चीज को, तो मास कांस्टेंट होता है न कि वेट। वेट तो डिपेंड करेगा कि गुरुत्वीय त्वरण कितना है। मेरा जो फिक्स है वो है मास न कि वेट। वेट कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग वेट चेंज हो सकता है लेकिन कभी मास चेंज नहीं होता। हम उसी मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? kg। अगर वेट की अगर बात करेंगे, वेट या भार की अगर बात करेंगे, भार होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी एक्सीलेरेशन। इसकी यूनिट्स की अगर बात की जाए तो kg, और त्वरण की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार की अगर बात करें, वेट की अगर बात करें, तो एम इंटू भार इक्विवेलेंट टू फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। भार होता है वही फोर्स लगाने का कार्य करता है, ध्यान रखना। इसीलिए फोर्स की भी अगर बात करते हैं तो एम इंटू ए होता है। ए भी क्या है हमारा? त्वरण। इसीलिए भार और बल का दोनों का यूनिट क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इट्स मीन वेट इक्वलेंट टू फोर्स। तो जो भार का यूनिट होता है वो फोर्स का भी यूनिट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज का। तो भार के अगर यूनिट न्यूटन भी कहेंगे तो भी हम सही कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसी के अकॉर्डिंग भार की यूनिट भी न्यूटन हो सकती है, ध्यान रखना। अब हम लोग उस बात पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कुछ बेसिक जानकारी थी। फिजिक्स का भी एक लेसन स्टार्ट कर देंगे जहां पर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, एक क्लास स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स का भी, तो उसमें हम लोग इन बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, ताकि आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल है क्या? टेक्निकल है क्या? फिजिक्स का ही बड़ा रूप है टेक्निकल। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसी का ही बड़ा रूप है टेक्निकल। अगर मास की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है दोस्तों? 9.108 × 10⁻³¹ kg। कितना होता है दोस्तों? 31 kg। शायद आपको पता होगा 31 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मतलब 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 यहाँ पर क्या हो जाए? अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3 0 कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर इसको ग्राम में लिया जाए तो 9.108 × 10⁻³¹ अगर कम की जाए तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 28 ग्राम। इसी तरह से
प्रोटॉन की अगर मास की बात की जाए, प्रोटॉन का मास कितना होता है दोस्तों? प्रोटॉन के मास की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10^-27 kg। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो उसका भी लगभग कितना ही होता है, 10^-27 kg। इसका अगर बात करें पूरी एग्जैक्टली अगर बात कर लेते हैं 27 kg अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर हमारा चार्ज बराबर था उसी तरह से लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मास बराबर है। इसको भी अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 यहाँ से कम कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1.675 × 10^-24 ग्राम। इसी तरह से इसका कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी है कुछ जो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी आनी चाहिए थी। दोस्तों एटम्स के अंदर अगर बात करते हैं हम लोग, अगर आउटर ऑर्बिट में बाहरी कक्षा के अंदर जो बाहरी कक्षा है उसके अंदर अगर बात करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे होंगे तो ऐसी कंडीशन में वो इंसुलेटर होगा जिसे हम कहते हैं कुचालक। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं, वो हमारे किस कंडक्टर किस में आते हैं, सेमीकंडक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। और अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसके अलावा रहती है तो वो कंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। कंडक्टर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है और उसके अंदर आणविक बल जो हमारा जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कितना है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है, इस चीज़ के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। दोस्तों अभी हम लोग बेसिक की अगर बात करेंगे, आपको पता होना जरूरी है कि आपने पढ़ा होगा मास ऑफ न्यूक्लियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नाभिक का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसका सिर्फ रीजन क्या रहता है, उसका रीजन ये रहता है कि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर उपस्थित होंगे तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित होता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर, बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अगर बात करें हम लोग किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अगर बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 1840 गुना प्रोटॉन्स भारी होता है किसकी तुलना में, एक इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। अगर हम इसके संबंध की अगर बात करें तो आप कह सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर मास ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन 1840। ये एक बहुत अच्छा संबंध है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1840। समझ में आई दोस्तों, कितना गुना है, 1840 गुना है प्रोटॉन का मास, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास तो इसकी तुलना में 1/1840 गुना रहेगा किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में प्रोटॉन का मास 1840 गुना। मोस्टली कई बुकों में अलग लिखा हुआ है 1836, 1835, 1834, तो हम लोग एक मोस्टली जो आता है 1840 आता है, एग्जैक्ट जो है 1836 गुना है, कितना है दोस्तों 1836। अब न्यूट्रॉन्स का भी लगभग 1845 गुना होता है, तो वो ये जो भारी कण है वो कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। इसीलिए किसी भी परमाणु का मोस्टली जो द्रव्यमान रहता है, मोस्टली जो मास रहता है, वो कहाँ पर उपस्थित होता है, उसके न्यूक्लियर में उपस्थित होता है, उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना, हम लोगों को किसी चीज़ की रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ को हम लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है 1% ही, हम लोग उसको प्रॉपरली समझ के चलेंगे। अगर हम बात करते हैं बहुत मैं इसके बारे में और एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अलग से, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर हम आते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में अभी डिस्कस किया।
तो अलग से एक डिस्कस करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पर हम लोग किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, क्या समस्थानिक्स होते हैं, कितनी ऑर्बिटें होती हैं, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब विभव। पोटेंशियल जो होता है जिसे कहते हैं विभव। दोस्तों पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल नाम से, पोटेंशियल मेरा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब आपको पता है इसका मतलब, पोटेंशियल का मतलब कोई कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर पोटेंशियल की बात की जाती है तो पोटेंशियल होता क्या है? किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से सुनना क्या है पोटेंशियल, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल कहलाता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे जैसे वी द्वारा दर्शाते हैं, तो पोटेंशियल बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू वर्क। इट्स मीन पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होगी वर्ल्ड, और यहां पर डब्ल्यू क्या है दोस्तों? ये है वर्क, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इट्स मीन आपके सामने काया वोल्ट बराबर जूल अपॉन कूलम। क्या दोस्तों आपके सामने क्या आया? जूल प्रति कूलम भी वोल्ट के इक्विलेंट होता है। और भी कई तरीके से समझाया जा सकता है इसको, जैसे जैसे अलग अलग लेसन हम पढ़ेंगे, क्या आगे चल के हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे या कैपेसिटर वगैरह पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक ही हमारा यूनिट होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ से अगर वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम भी अगर कहीं आ जाए कि निम्न में से कौन सा पोटेंशियल को दर्शा रहा है, विभव को दर्शा रहा है, तो जूल प्रति कूलाम भी हमारा किसको दर्शा रहा है? पोटेंशियल को दर्शा रहा है। हालांकि वोल्ट उसकी यूनिट है जो एसआई यूनिट से मेजर की जाती है, लेकिन जूल प्रति कूलाम भी उसी के बराबर है। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के चलोगे तो क्वेश्चन में क्वालिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज़ को समझ के चलेंगे, तभी जाके हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। पोटेंशियल के बाद में हम लोग अगर बात करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली देखा जाए। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाए तो सपोज कर लो, मान के चलो ये रजिस्टेंस है, जिस रजिस्टेंस के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आर रजिस्टेंस है, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाएगी तो वो होगा वी बराबर आई आर। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस के अंदर ही सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस के अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, कैपेसिटर हुआ इंडक्टर हुआ उनके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप में? अगर कैपेसिटर की बात की जाए, मान के चलो ये किसी कैपेसिटर है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इसका जो रिएक्टेंस होता है वो, जिसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू होगी टू पाई एफ सी। ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? टू पाई एफ। ओमेगा जो रहता है जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू रहती है टू पाई एफ सी, तो इसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इसके अंदर भी अगर बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाए तो आई टू एक्स। इसी तरह से कहीं इंडक्टर होगा तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। कोई कॉइल होगी, कॉइल को हम बोलते हैं इंडक्टर, जिसके अंदर इंडक्टेंस का गुण होता है उसे बोलते हैं इंडक्टर। इसके अंदर अब अगर इंडक्टिव गुण होगा तो जिसे कहते हैं 2πfL, क्या बोलते हैं दोस्तों 2πfL, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आगे हम लोग एसी थ्योरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अगर हम लोग यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करेंगे तो V बराबर I इंटू XL। तो ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ पर रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सभी जगह हुआ। तो वोल्टेज, ये तो ड्रॉप की बात हुई, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित कराने के लिए फोर्स लगाने का प्रयास करता है या फोर्स लगाता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वोल्टेज किसी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा ही देगा, ऐसा कंपलसरी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होगा वो होगा ईएमएफ के कारण, वो किसके कारण होगा, ईएमएफ के कारण। वोल्टेज से प्रेशर लगाने का कार्य करता है, वोल्टेज इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर जो किसी चार्ज के ऊपर प्रेशर जनरेट करने का कार्य करेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात करेंगे तो वो बात करेंगे ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का कार्य करता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। ईएमएफ एक प्रकार की एनर्जी होती है, ईएमएफ की अगर बात की जाए तो ईएमएफ एक क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी। वो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने के काम आती है, एक मोटिव फोर्स जनरेट होता है जिससे क्या होता है, फ्लो होने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चला मोटिव फोर्स कैसे, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर जब प्रेशर लगता है, प्रेशर किसके कारण लगेगा, वोल्टेज के कारण, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव होने का प्रयास करते हैं और मूव होने पर जो उनके बीच में एनर्जी जनरेट होती है और जो मूव कराने के लिए यूज में ली गई है या मूव कराने का कार्य कर रही है, वो एनर्जी ही हमारा कहलाती है क्या, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कार्य की गई एनर्जी या ली गई एनर्जी, किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है, इस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में जो ऊर्जा हो यूज ली जाएगी वो ऊर्जा ही हमारा क्या कहलाएगी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मैं दूसरे तरीके से भी उसको समझाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ जनरेट करने के लिए सहायक होता है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इधर देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कहते हैं, सपोज करो थोड़ा सा मैं दूसरी तरीके से क्योंकि समझाने का प्रयास करूंगा, मान के चलो एक रेजिस्टेंस है जहां पर V1 वोल्टेज लगा रखा है, लेकिन दूसरे सिरे पर यहां पर V2 वोल्टेज है, यहां पर I करंट फ्लो हो रही है, यहां पर R रेजिस्टेंस है, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आपने V1 वोल्टेज दिया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हुआ, उसके बाद बचा हुआ वोल्टेज कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1 माइनस
अगर यहां से हमें करंट की भी सपोज कर लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, यहां पर 10 वोल्ट लगाया, यहां पर 2 वोल्ट, इट्स मीन 8 वोल्ट कहां खर्च हो गया? हमारा रेजिस्टेंस पर। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, इट्स मीन 8 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, आई बराबर निकालने की अगर बात करूं तो आई कैसे निकाला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पर अगर करंट की बात करें तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस यहां पर करंट निकाल सकते हो। यहां पर करंट की अगर बात करते हैं, यहां पर अगर मान के चलो 4 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट की अगर बात की जाए तो 10 माइनस 2 अपॉन 4, इट्स मीन 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 4 × 2 मतलब 8 है। मैंने आपसे क्या कहा था, 8 वोल्टेज और ड्रॉप हो गया। चलो एक एग्जांपल देके और समझाना चाहूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ऐसा कोई कंपलसर नहीं है कि पोटेंशियल वोल्टेज, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, जहां पर स्टूडेंट क्या होता है थोड़ा अटक जाता है। मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर V1 वोल्टेज लगाया, यहां पर माइनस का V2 वोल्टेज लगाया, माइनस का V2 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए तो करंट की डायरेक्शन ये है, आई, यहां पर रेजिस्टेंस आया आ रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए, V1 माइनस माइनस V2, इट्स मीन V1 प्लस V2 रहेगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सिरों के बीच में। करंट की अगर बात की जाए, V1 प्लस V2 अपॉन रेजिस्टेंस। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन इट्स मी, ये वोल्टेज ज्यादा है बजाय इसके, तो हम लोग इसके प्लस में लेंगे। अगर सपोज कर लो मैंने यहां पर R1 रेजिस्टेंस दिया, R2 रेजिस्टेंस दिया, यहां पर अगर बात करते हैं हम माइनस का V1, सॉरी P1, और यहां पर अगर मैं बात करूं माइनस का V2, लेकिन करंट की डायरेक्शन मैंने ये दे रखी, तो कैसे करोगे आप? माइनस का V2 माइनस का V1 अपॉन R1 प्लस। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कैसे करंट निकाली, ये आगे जब नेटवर्क वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग करोगे तब ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो आगे जो सर्किट सॉल्व करने की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा सॉल्व हो जाएंगी। आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन मैंने यहां लिखी है इस तरह से, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे रखता ये ज्यादा पोटेंशियल होता, करंट की डायरेक्शन ऐसी होती तो हम लोग इसको क्या लिखते दोस्तों, V1 प्लस V2 अपॉन R1 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी हुई जिसके बारे में आप लोगों के सामने बताया गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ही हम लोग सीख कर आगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से पढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आप लोगों को सामने समझ में नहीं आएंगी, आप लोग पॉसिबल नहीं है कि आगे सर्किट के या रेजिस्टेंस वगैरह जो आप लोगों का आएगा, सर्किट वगैरह, DC सर्किट वगैरह जो आएगा, वहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ।
वो क्वेश्चन सॉल्व कब कर पाओगे? वो क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये बेसिक कंप्लीट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें, साधारण भाषा में अगर बात करें, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके भी मैं समझा सकता हूँ आपको। क्या कि अगर हम बात करते हैं बी आई आर में संबंध की, तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अगर सपोज कर लो कोई रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा रखा है, आर रेजिस्टेंस है, और एक फिक्स वोल्टेज आप लोगों ने लगा दिया यहां पर 100 वोल्ट, तो मैं जैसे जैसे देखूंगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन बढ़ाता जाऊंगा, करंट की वैल्यू उसी के अनुपात में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इट्स मीन रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट रहा है, यहां वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग कहीं पर लिखते हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, कहीं पर लिखते हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होता है, यहां पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं बी बराबर आई आर। लेकिन बेसिकली दोस्तों ये क्या कह रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। ये तब होगी जब वोल्टेज ड्रॉप की बात आएगी, ये तब होगी जब वोल्टेज ड्रॉप की बात आएगी। किसी सोर्स द्वारा अगर हम लोग करंट दे रहे हैं, तो करंट की वैल्यू अगर एक फिक्स रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीज हो, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ना वो बढ़ेगा। करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। लेकिन यहां पर अगर दोस्तों अगर बात की जाए हमारी करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध की बात की जाए, अच्छी तरह से समझना क्या होगा। बेसिकली होता है आई बराबर जी इंटू वी के साथ। जी क्या होता है? जी होती है क्या होती है, देखो जी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे इस दो चीज होती है हिंदी में, इधर समझने का प्रयास करना। एक होती है चालकता, जिसे कहते हैं एक होता कंडक्टेंस, एक होता कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं चालकत्व, और इसे बोलते हैं चालकता। क्या है जी? जी है क्या? जी है ये कंडक्टेंस, न कि चालकता। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, कंडक्टेंस अपोजिट टू रेजिस्टेंस, ये किसके अपोजिट होता है? रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। कंडक्टेंस अपोजिट टू रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध के अपोजिट होता है कैसे? जी बराबर 1/R। अगर मैं इस जी की वैल्यू को पुट करता हूं, आई बराबर जी की वैल्यू कितनी है 1/R, आई बराबर जी की वैल्यू, मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले के अंदर जी की वैल्यू पुट किया मैंने, आई बराबर जी की वैल्यू 1/R इंटू वी, तो आई बराबर वी अपॉन आर, तो V बराबर आई आर। अरे भाई संबंध तो वही है, संबंध तो वही है, दोस्तों
ये छोटी छोटी चीज़ हैं जिनको आप लोग समझो, लेकिन ध्यान रखना बेसिकली ऑर्म्स लो ये सही है, वो भी गलत नहीं है, वो वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग दर्शा रहा है। अब बात ये आती है कि हम लोग सर लिखे क्या, दोनों तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके से भी पढ़ा होगा, कोई आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करेगा इसको, कोई आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेगा, मोस्टली इसी को सही माना जाता है, लेकिन मैंने कई एग्जामिनेशन में देखा है कि उसको भी सही माना गया है। एग्जैक्ट सही है क्या, वो डिपेंड करेगा वैकेंसीज किस तरह की, मोस्टली जो सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन होती हैं ये भी सही है आर्म्स लो, और ये भी सही है आर्म्स लो। वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाती है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, बात वही है उनकी सबकी, उसी की भी बात यही है। ये कह रहा है कि वोल्टेज के ऊपर करंट डिपेंड करता है, जबकि ये कह रहा है कि करंट के ऊपर वोल्टेज डिपेंड करता है। इसके ऊपर एक बड़े एक लेक्चर में अलग से दूंगा, और आपके जो डाउट्स हैं माइंड में, जो डाउट्स हैं क्या डाउट्स, अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो अभी इसी वीडियो में क्लियर नहीं होंगे, एक आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वहाँ पर उन डाउट्स को क्लियर करूंगा, एक एक्सप्लेन करके इन सारी चीज़ों के, वोल्टेज करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, करंट वोल्टेज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, क्या सारी चीज़ें अभी तक आपके जो क्लियर नहीं हो पाई हैं, वो वोल्टेज करंट क्या होता है ये पूरी तरह क्लियर ही नहीं हो पाया है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, सोच नहीं रहे, थिंकिंग हमारी जो थिंक है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। जब हम लोग किसी चीज़ को प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं, पानी को फ्लो होते देखते हैं, तो हमारे कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं ऊंचे लेवल से नीचे लेवल से ऊंचे लेवल की तरफ पानी जा रहा होता है। हम लोग का माइंड काम करता है कि यहाँ ऊंचाई है इसलिए पानी नीचे ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहा है, हमने सोचा ना वहाँ पर, अगर कहीं ऐसा दिख जाएगा नीचे लेवल से ऊपर ऊंचे लेवल की तरफ पानी जा रहा है तो आश्चर्य में नहीं पड़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज है, उसके बारे में आप सोचते हैं, जानते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिख नहीं रही, तो एक थिंक क्रिएट करो, सोचो उसके बारे में कि कैसे करंट फ्लो होता होगा, कोई प्रेशर तो लगता होगा फ्लो होने, ऊंचाई से नीचे की यात्रा पाने के लिए प्रेशर ही तो जनरेट हुआ होगा, तो ऐसी तरह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर होता है वोल्टेज। एक टंकी के अंदर पानी भरा आप लोगों ने, एक टैंक के अंदर आप लोगों ने पानी भरा, उस टैंक के अंदर से जो पानी आ रहा है वो फ्लो हो रहा है, आप लोग क्या देख रहे थे वो कितना फ्लो हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि इसमें लेवल कितना है पानी का, उतनी तेजी से ही फ्लो हो। फ्लो ऑफ वाटर रेशो डिपेंड करेगा लेवल के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि लेवल डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ रेशो के ऊपर, पानी का जो प्रेशर होगा, पानी का जो फ्लो होने का जो रेशो रहेगा, प्रति सेकंड कितना पानी निकला है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें लेवल क्या है, और जितना लेवल होगा उतना ही प्रेशर होगा और उतनी तेजी से ये फ्लो होगा। तो ये क्या फ्लो हो रहा है, करंट किसके कारण, इस लेवल डिफरेंस के, ये डिफरेंस मान के चलो, यहां पर पानी का लेवल नहीं है, यहां पर पानी का लेवल हायर है, तो इस लेवल के डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है। ये लेवल का डिफरेंस अगर नहीं होता तो किसी भी तरीके से वाटर फ्लो नहीं होता। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यही वर्क करता है, कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा है तो पोटेंशियल हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होगा, ऐसा कभी नहीं है कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ पोटेंशियल चला जाए, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतने क्लियर। में सारी चीजें जो करूंगा वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर सिर्फ इनके बीच में संबंध पढ़ा जाएगा, एक लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता, सिर्फ बेसिक 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 आधारित नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपको दिया गया है। डीपली नॉलेज जो होगा वो अलग से, क्योंकि स्टार्ट की हैं अभी वीडियो, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़े हैं 2-4 दिन में, और हम लोग उसको रेगुलर कोर्स के हिसाब से उस चीज़ को
एक मेंटेन करके सारी चीज़ों को चलेंगे। बस ध्यान रहे कि हम कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, नहीं तो आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। वीडियो का जो धीरे धीरे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, एक आवर, दो, फिर धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे। थोड़ा सा रूटीन में लाओ अपने आप को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल मिलते हैं, सेम टाइम। धन्यवाद, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना। धन्यवाद दोस्तों, बाकी का कल आप लोगों के सामने वापस से हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेकर इसी सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद जब